जी, एक तो 15 से 20 तक यहाँ पे जो हमारे नवीन जी हैं ये कथा करवा रहे हैं, तो गुरु जी भी आएंगे और आज भूमि पूजन है तो मैं इसलिए स्पेशली यहाँ पर आई हूँ और मैं उनकी खुद एक बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। तो यस, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट। स्वरूपस्तु भो नमो नमः, बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार दिल छोड़ दे। श्री गणेश काव्यम नवत्सरम नमः सुरारि निर्जरम पदादिका पदद्वरम सुरेश्वरम निधीश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम महेश्वरम तमाश्रय परात्परम निरंतरम समस्त लोक शंकरम निरस्त दत्त कुंजरम दरे तरोदरम। ओम केशवान मह माधवान मह नारायण पुनस्तो कृच्छालंडषिकेशाय नमः। ओम पृथ्वी त्रागतालोकं देवी विनियोगः, हाथ जोड़ करके पृथ्वी माता का ध्यान करें। ओम भूमि पुत्रो महातेजं जप्तं देकृष्णाभिष्यद्मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन मुक्षमूलं गुरु कृपा अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया स्वरूपं कर्म साक्षी आविघ्नकर्ता यावत् कर्म समाप्ति तावत्तं सूक्ष्ममतिरजूयतां मा देवानां वन्दातिरभिधनिवर्तताम् पकोड़े ज्यादा खाली है, आवाज नहीं निकल लेगी जी की। जनता साथ यार सुजस्ये ब्राह्मणो वत्सम कुमाते तम सरस्वे सप्तशासन परदस्ते सप्तम संहिताकृता देवाय यज्ञम। और भूमि के अधि तत्पश्चात पीली सरसों ले लें और प्रांत भरे सुचल स्नान महाशुद्ध वाला सर्व शुद्ध वाला मणि वाला अभिलिप्तान भूरूप पार्जन्य है। बोली बालाजी बोल सन्यासी बाबा की जय, बोल दादा गुरु महाराज की जय, बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे। ओम अपसर बंद देव जी। एक तो 15 से 20 तक यहाँ पे जो हमारे नवीन जी हैं ये कथा करवा रहे हैं, तो गुरु जी भी आएंगे और आज भूमि पूजन है तो मैं इसलिए स्पेशली यहाँ पर आई हूँ और मैं उनकी खुद एक बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। तो यस, जी गुरु जी के बारे में बागेश्वर धाम के बारे में मैंने एक महीने पहले सुना था। वैसे तो मैं उनकी वीडियोस देखती रहती थी यूट्यूब पे या फिर जो उनकी छोटी छोटी वायरल होती हैं वीडियोस, और फिर जब मुझे पता चला कि नवीन जी भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं तो मुझे और भी ज़्यादा उत्सुकता हुई उनसे मिलने की। और जैसे ही फिर मैं उनसे मिली तो मैं बस
उनको मान गए कि हाँ है। नहीं, इसमें फायदे की बात तो नहीं है, और ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम मिलता है, क्योंकि एक मेहनत भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बट हाँ, उनका अगर आशीर्वाद रहेगा तो शायद और भी अच्छे काम होंगे, और जो चीजें आ रही हैं वो बस जल्द से जल्द आएंगी और उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, मुझे इतनी खुशी है कि मैं इस धाम का हिस्सा बन पाई हूँ, जहाँ पे लाखों लोग मतलब उनकी भक्ति में लाइन में खड़े रहते हैं, और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं भूमि पूजन में भी आई हूँ और उनकी कथा में भी आऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुजी 15 से 20 तारीख तक यहाँ पर दिल्ली में आएंगे। तो मैं आप सबसे भी ये निवेदन करती हूँ कि जितने लोग आके आप उनके दर्शन करें, आप लोगों को भी उनके बारे में पता चलेगा, एंड मैं तो उनसे ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ, आप लोग भी हो जाओगे। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी भक्तजनों का और गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए सबसे विनती करता हूं कि मैं जैसे बताना चाहता हूं कि पहली दफ़ा कुछ ही समय पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, गुरु जी से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हमारे प्रदीप धनखड़ जी और हमारी बहन शालू जी के माध्यम से मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी आ रहे हैं और उनको 100-150 लोग आएंगे मिलना है, तो आप लोग आएँ और एक दफ़ा मिलना है उनसे। तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली कि ठीक है गुरुजी आते हैं, सभी आते हैं इस तरीके से। लेकिन जैसे गुरुजी सेक्टर 16 में वहाँ पर पहुँचे, वो 100-200 नहीं, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग उनका इंतजार कर रहे थे, और मैं खुद देख के अचंभित हुआ कि क्या करिश्मा है उनके अंदर के लोग उनको मिलने के लिए तरस रहे थे। तो जब मेरी पहली दिन उनसे मुलाकात हुई, मेरे को भी आशीर्वाद उनसे मिला, और उसी दिन उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे एक ही बात बोली कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि दिव्य भव्य जो है वो भागवत कथा का आयोजन हो। ये उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है कि आज वो कार्य जो है यहाँ पर सफल होने जा रहा है। उस कार्य के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हमने भूमि पूजन जो है आज रखा है, और उस भूमि पूजन में जो भी सारे भक्तजन हमारे आए हैं, सहयोगी भी सारे आए हैं, मुबीन भाई हमारे, प्रदीप जी, शालू जी, सभी पूरी टीम है, मनीष सिन्हा जी, पूरी टीम यहाँ पर आज काम कर रही है, और बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि गुरुजी ने इतना अच्छा काम दिया है, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस काम कार्य में हमें सफल बनाए। यही हमारी दिल्ली वासियों से हमारी यही प्रार्थना है कि जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं, प्रदीप भाई के फोटो भी हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, आप फोन करें, कोई दान के रूप में कुछ भी, यदि तन से मन से धन से सेवा करना चाहते हैं वो भी सेवा करें, उनका भी सबका स्वागत है। और पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए मैं चाहता हूं कि पूरी दिल्ली उमड़ के आए और पूज्य महाराज जी का यहां स्वागत करें। देखो अभी तक तो व्यवस्था अच्छी चल रही है, और जो हमारा अनुमान है व्यवस्था अच्छी चलेगी। मैं खुद आम आदमी पार्टी से हूँ, तो आम आदमी पार्टी का आपको पता है अच्छी पार्टी है, वो तो सबका साथ देने वाली है, हम मदद मांगेंगे तो हमारे साथ खड़ी होगी, वो जरूर जैसे जैसे पड़ेगी वैसे हम उनसे उनकी सहायता लेंगे। देखिए जिस तरीके से श्री बागेश्वर धाम जी महाराज जी के प्रचार प्रसार को लेकर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास लोगों के इतने फोन्स आ रहे हैं कि हमें कलश यात्रा में शामिल होना है, भागवत में आना है, और गुरु जी से जैसे 2 दिन का जो है हमारा 17 और 18 तारीख का भव्य दरबार भी लगने जा रहा है, तो गुरु जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है कि करोड़ों की तादाद में उनके भक्तजन हैं। हमारे पास पूरे दिल्ली से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, और विदेशों से भी फोन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम ये पंडाल यहाँ पर लगा रहे हैं ये भी छोटा पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी की महिमा जो है वो बहुत बड़ी महिमा है, और उसको आज सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उसका एक माध्यम बन रहे हैं, तो गुरु जी का आशीर्वाद प्यार हमारे ऊपर बना रहे और हम इस कार्य को सफल बना पाए। दिल्ली, संपूर्ण दिल्ली से लाखों भगत श्री बागेश्वर धाम जाते रहते हैं, लाखों लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, सब जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं वहां पर पूर्ण हुई है, और वो सब लोग यहाँ पर सहयोग भी कर रहे हैं, सब आएंगे।
देखो हम ये राजनीति के लिए नहीं कर रहे, धर्म के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम आम आदमी पार्टी के पास भी अब तक गए नहीं है किसी के पास, एक नॉर्मल कार्यक्रम के रूप में लेके चल रहे हैं धर्म के लिए, लेकिन जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम जिसकी भी होगी उसकी सहायता जरूर लेंगे। भूमि पूजन तो आज का ये शुरुआत है हमारी, सब लोगों को इकट्ठा किया गया है और भूमि पूजन के लिए प्रसाद बनाया गया है, अब आगे 15 से 21 तक महाराज जी की कथा होनी है। देखिए बागेश्वर धाम जी वो खुद एक बहुत बड़ा शक्ति है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हीं के माध्यम से हमें भी प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमने कैसे इस प्रोग्राम को करना है। तो लाखों की हजारों की तादाद में मेरे से भी बात हो रही है सभी भक्तजनों की अपनी अपनी व्यवस्था संभालने के लिए, और उसके बावजूद भी प्रशासन की भी कहीं जरूरत होगी तो हम उसकी भी सहायता लेंगे। एक अच्छा भव्य प्रोग्राम हम चाहते हैं क्योंकि दिल्ली में वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ऐसा प्रोग्राम। हम आज़ादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं तो महाराज जी की तरफ से आदेश हुआ है कि हम लोग यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है झंडा उसका ध्वजारोहण का उस दिन प्रोग्राम हम लोग करेंगे 15 अगस्त को, इसीलिए ये जो कलश यात्रा का प्रोग्राम है वो 15 की बजाय हम लोगों ने 14 तारीख को रखा है, तो 14 तारीख को एक भव्य कलश यात्रा होगी और 15 तारीख को हम एक यहाँ पर 15 अगस्त को झंडे का ध्वजारोहण का प्रोग्राम करेंगे। तो सभी साथियों आपके माध्यम से मेरी अपील है उस दिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर आएं और आज़ादी के जो 75 वर्ष में हम मनाने जा रहे हैं उसमें आप सभी शामिल हों। और एक मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि बाबा के जो चमत्कार हैं, अगर आपको कोई चमत्कार देखना है तो एक दफ़ा आप इस कथा में जरूर आइएगा, क्योंकि मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था तो मेरे पैरों में से वो जमीन निकल गई थी जो बातें उन्होंने मुझे बताई, शायद वो बातें मुझे भी अब तक नहीं पता थी। अगर आपको लगता है कि आपके को कष्ट है, आपको लगता है कि आप कहीं परेशान हैं, तो एक दफा इस दरबार के अंदर आप जरूर आइएगा और फिर देखिएगा कि कैसे आपके दिन बदलते हैं। जय बाबा। मैं गुरु जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम इतनी भीड़ को संभाल पाए और एक अच्छा कार्यक्रम कर पाए, और जो इसकी ऐसी देश विदेशों तक जाए कि ऐसी कथा दिल्ली में हुई थी और लोग उसको देख के आगे भी करते रहे। मैं शालू कटारिया बोल रही हूँ, रोहिणी F5 से, और यहाँ मोर्चा अध्यक्ष हूँ और प्रधान भी हूँ, और जो भी कार्य करते हैं हम अपने प्रदीप भाई जी के सहयोग से ही करते हैं, हमारे प्रदीप मित्तल जी के, और धाम से जुड़ी हुई हूँ मैं 2 साल से, और आज गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मेरी तो दिल्ली वासियों से इतना ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर गुरुदेव के भागवत के आनंद लें और संयम बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था में हमारा साथ दें, और प्रभु की दया से सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा रहेगा। और गुरुदेव से फिर से निवेदन, गुरुदेव चरणों से लगाए रखना और गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से ये भव्य दिव्य प्रोग्राम जरूर अच्छे से पूर्ण होगा। देखो मैं बताना नहीं चाहता था बट बता देता हूँ, आपने 2-3 बार पूछ लिया मेरे से ये, जब वो दिल्ली में आए थे तो मैं उनको लेने गया था फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत बड़े दल के साथ गया था, वो जो कि मैं हमेशा जाता ही हूँ, तो मेरी ये गुरु वगैरह में इतनी रुचि थी नहीं कभी, ना कभी सोचा था कि ऐसे कोई गुरु बनाना है। फिर यहाँ लेके आए, इतने भगत यहाँ इकट्ठे हो रखे थे जब वो आए थे, तो मुझे लगा भाई गुरु जी का एक टेस्ट ले लेता हूँ छोटा सा, तो मैंने उनको मिलने की कोशिश की लेकिन वो मेरे से मिले नहीं। फिर एक को मुलाकात और हुई, तब भी गुरु जी मेरे से नहीं मिले। फिर रात को गुरु जी मेरे से 2 बजे मिले और मैंने एक लिस्ट बना रखी थी, उसमें मेरे टोटल 10 क्वेश्चन थे, और मैं BTech मैकेनिकल से हूँ, MTech भी मैकेनिकल से हूँ, तो उसी लाइन में मैंने MVI का पेपर दे रखा था मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, और वो फर्स्ट जो एग्ज़ाम था क्लियर भी हो गया था, दूसरा दे रखा था ऑलरेडी और बहुत अच्छा हो रखा था। तो मुझे यही पहले तो यही पूछना था कि ये मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, मुझे तो लग रहा था हो जाएगा। उसके अलावा 9 क्वेश्चन और थे मेरे, तो मैंने वो सब एक पर्ची बना के मुझे ही पता था और जेब में डाल रखी थी मैंने,
मैं बैठ गया गुरु जी के सामने, किसी को नहीं पता था मेरे अलावा, मैंने कुछ लिख रखा और मेरे क्या क्वेश्चन है। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुस्कुरा के पहला जवाब मुझे यही दिया कि तेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। तो मुझे लगा यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं पढ़ा काफ़ी हूँ, हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता वही ज़्यादा अच्छा होता है, तो हो गया था मेरा। तो मैंने बोला नहीं मेरा हो जाएगा, तो उन्होंने मेरे नंबर भी बता दिए, तेरे इतने नंबर आएंगे, मेरे 74 नंबर बताए थे उन्होंने। और उसके बाद मेरे 9 क्वेश्चन और थे जो मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे वो उन्होंने लाइन वाइज ऐसे ऐसे फर्स्ट सेकंड करके 10 के आंसर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा जो तुमने पर्ची डाल रखी है ना उसके लिए बालाजी से क्षमा मांग लो। तो मैं गुरु जी से मैंने क्षमा भी मांगी, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 74 नंबर थे, तो मेरा क्लियर भी नहीं हुआ। देखो मैं ये बोलूंगी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। हम सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझ गए हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि हम और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कई बार हम मायूस भी रहते हैं, हमें पता नहीं होता है अंदर अंदर से कि हम कितना दुखी हैं या फिर कितने मायूस भी हैं। और अगर किसी को भी टेंशन है, लाइक जैसे मुझे था, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उनके सामने बैठी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया वो सबसे अच्छा था, और उसी का असर है जो मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ अब। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर आप लोग भी चाहते हैं उनसे मिलना या उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आइए उनके बारे में। तो इतना सारा यूट्यूब पर हर जगह पर है, सामने से देखिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट।